हरे कृष्ण मुरारी हरे कृष्ण मुरारी आजा हाय बीरज बिहारी आजा और गिरधारी आजा हमारे इस भारत देश में हमारे इस भारत देश में बोलिए उमंग सिंह महाराज की जय श्री कृष्ण भगवान की जयकारे बिल्कुल दोनों हाथ खड़े करके लगते हैं ऐसे सुस्त मत बैठो तुम हाँ मीठे मीठे जयकारे लगाते रहे एक तो ताऊ सोच रहा है पता ना के बेरी किन ख्याल आतन में है मीठी मीठी तालियां बजानी और भजन में क्या बताया सुनेगा अरे कृष्ण मुरारी आजा बीरज बिहारी आजा गिरधारी आजा ये तो आधे रागणी सुनने के लिए आए होंगे लेकिन आप तो भजन सुनने के लिए आई हो ना एक बार उठा लो दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियां कैसे हमारे भारत देश में भजन के अंदर कवि ने इतने प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं पहली कली में बताया कि नरसी सेठ ने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर सब कुछ लुटा दिया था एक पाई भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान की मेहर फिरी उस उमन दास महाराज की मेहर फिरी तो बाबा के वारे के न्यारे कर दिए बाबा ने पहली कली में क्या बताया सुनिएगा क्या लिखा Yeah.
कि श्री कृष्ण भगवान मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है संसार में तुम्हारा, तो श्री कृष्ण भगवान ने यूं कह दिया कि अगर घमंड की बातें करता है और भगत की बातें करता है तो मैं दिखाऊंगा तुझे, तुझसे भी बड़े बड़े भक्त हैं। जाकर के मोर ध्वज के यहाँ पर अलग जगा दी, संत का भेष बना लिया, माया रूपी शेर ले लिया साथ में। क्या माया फिरी बाबा की, सुनिए कल का भूखा है धीर ध्वज तैने चिरवाया, कल का भूखा है धीर ध्वज तैने चिरवाया। जब बेटा चिरवा दिया हाथों से, अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आवाज लगाओ अपने बेटे को, तो आंखों से आंसू आ गए राजा के। अन्यू बोले कि अभी तो हाथों से बेटे को चीरा है, कहां से आएगा बेटा, कि मैंने 3 थाली लगवाई है, आवाज तो लगाओ। और जैसे धीर ध्वज को आवाज लगाई, कैसे माया रूपी वो बेटा आता है और बुलाया 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 बेटा जिंदा, बुलाया बेटा जिंदा, वो आया जैसे परिंदा।